नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। मणिपुर में मुठभेड़ में मेजर अमित देशवाल शहीद। भारतीय सेना के 21वीं पैरा के मेजर अमित देशवाल मणिपुर के तामेंगलेक जिले में जेडीयू उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। सेना के अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय राइफल्स और विशेष बल कर्मियों की तलाशी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में एक उग्रवादी भी मारा गया। मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर देशवाल हरियाणा के झज्जर के रहने वाले थे। सेना से मुठभेड़ के दौरान पहले एक आतंकी मारा गया, उसके बाद मुठभेड़ में ही मेजर को गोली लग गई। मुठभेड़ स्थल से जब उन्हें बाहर लाया जा रहा था तब उन्होंने दम तोड़ दिया। भारत म्यांमार सीमा पर भूकंप के तेज झटके। भारत म्यांमार सीमा पर बुधवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के असम में 2 लोगों की मौत हो गई और 70 अन्य घायल हो गए। भूकंप के झटके पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और दिल्ली में भी महसूस किए गए। मौसम विभाग के अनुसार भूकंप शाम 7:25 पर आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.8 दर्ज की गई। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भूकंप का केंद्र म्यांमार में भारत म्यांमार सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 94.9 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सतह से 134 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। भूकंप की गहराई 134 किलोमीटर थी, इसीलिए इसका असर काफी दूर तक महसूस किया गया। भूकंप के तुरंत बाद कोलकाता में मेट्रो रेल सेवा 5 मिनट के लिए रोक दी गई। मुंबई हाईकोर्ट का फैसला, 30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में आईपीएल मैच नहीं। मुंबई उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को बुधवार को करारा झटका देते हुए अपने अहम फैसले में कहा कि सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक ही आईपीएल मैच कराए जा सकेंगे और इसके बाद के मैचों को राज्य से बाहर कराना होगा। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद 13 मैच महाराष्ट्र से बाहर होंगे, जिनमें 2 प्लेऑफ और 29 मई को मुंबई में होने वाला फाइनल भी शामिल है। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा पुणे और नागपुर में भी आईपीएल मैच हो रहे हैं। अदालत ने भयंकर सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र में आईपीएल मैचों को कराने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है।